मेरे गले से निकला है मोटा एक खून, मतलब सब खून, मतलब नदियां बहा दी ना खून, कितना खून निकला है मेरे गले से। और कैसे तेरी शक्ल इतनी खराब है, मेरे को पता नहीं इतनी खराब शक्ल है तेरी। कहाँ से आप? मैं रोड से। ना भाई को लेनी है हमारे साथ, एक फोटो ले जा दो। लो भाई ले जा। लोगों को खाना नहीं मिलता, तेरे को पॉपकॉर्न मिल रहा है खाने को? यहाँ पॉपकॉर्न पड़े ना, जादू खा ले, मैं तेरे ले जाऊंगा तू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ग्रीश पंडित ब्लॉग्स। आज मैं और ग्रीश भैया आए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि ग्रीश भैया और चुके हैं बीमार। भाई जी मेरे गले से निकला है मोटा एक खून, मतलब सब खून, मतलब नदियां बहा दी खून, कितना खून निकला है मेरे गले से। पता है किसका बच्चा गुम हो गया है? जो एक काम के साथ हॉस्पिटल आई, ऊपर साथ मेरे को ऐसा बोल रहा है। हम पापा मेरे चंबा में, वो भी घूमे हैं शिमला में रौनक के, देख रहे रौनक को बाजारों, दिनों खिलागी रौनक को बाजारों। गंदे सिंगर हो ग्रीश भैया। दोस्तों जब ऋतिक रोशन ने मूवी बनाई तब जादू को यही भूल गए, देखो यहाँ पे। और करे एक बार और कैसे, तेरी शक्ल इतनी खराब है, मेरे को पता नहीं इतनी खराब शक्ल है तेरी। दोस्तों इतनी खराब शक्ल है ना, नहीं इसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं जादू को एक टास्क देने वाला हूँ। जादू वहाँ जाए, वहाँ उसके ऊपर खड़ी हो। इधर को एक टास्क दे रहा हूँ ना, जा वहाँ उसके पास जा, उसके पास खड़ी हुई लोग पास जा, प्लीज तू एक टास्क है, जा। मित्रों इसको एक टास्क दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अब तो क्या टास्क है तेरा? वहाँ नीचे गू पड़ा है, खा। तो एक और टास्क दे रहा हूँ मित्रों को, इस बार अच्छे वाला टास्क, प्लीज यार, प्लीज प्लीज, सिर्फ एक बार, एक टास्क प्लीज प्लीज। इसको एक प्यारा टास्क, इस बार प्यारा टास्क है, बस ट्रक के टायर के पास खड़े होना, सिर्फ खड़े होना है, सिर्फ इतना, प्लीज यार जा, ट्रक के टायर के पास खड़ी हो बस जाके, हाँ होगी, बस रुक जाओ, इसके नीचे आके मर जाओ। एक फाइनल टास्क देने वाला हूँ इसको मैं, जादू इस बार अच्छा होगा, प्लीज प्लीज यार, प्लीज यार, ट्रक के पास टायर के पास खड़ी हो, देखो एक बार प्लीज प्लीज यार, ऐसे नहीं करते, देखते इससे बड़ा तो टायर है ट्रक का। दोस्तों इससे बड़ा तो ट्रक का टायर है। खाना नहीं आता आपको ग्रीश भैया, क्या कर रहे हो? यार गिर गया था। खाना खाने नहीं आता आपको? तेरे को ही आता है खाना खाना, आता है मुझे। ओके तो हम पहुंच चुके हैं, देखिए मॉल रोड शिमला में, और ये है शिमला का नजारा, और देखिए यहाँ पे बच्चा भी गुम हुआ है किसी का। चले यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सेम सेम ये बैठी यहाँ पे शेख पे, बोली मुझे बोला बोल यार, प्लीज शेख बोल यार प्लीज, शर्मा क्यों रही, बोल। वो आ चुके हैं रिच को, रिच का जो नजारा है वो बहुत ही प्यारा है, मतलब क्या ही बादल है, मतलब ऐसा लगता है जैसे बादलों को हाथ तो छू सकते हैं। ए फिर से बच्चा मिल गया, किसी का गुम हुआ हुआ, जाता क्यों नहीं बेटा, तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? वेयर इज योर पेरेंट्स? बच्चा बेटा फिर तुम्हारे पापा कहाँ हैं? गुम हो गए बेटा आप? हमारे बीच बच्चा हो चुका है, देखो बेचारी, इसके मम्मी पापा नहीं मिले, मैं इसको ढूंढने की बड़ी कोशिश कर रहा हूं, उसके माँ बाप कहीं मेरे को मिले और मैं उन माँ बाप से इस बच्चे को मिलवाऊं। इसके माँ बाप हमें मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ढूंढता रहूंगा मैं जब तक इसके माँ बाप नहीं मिलते, मैं ढूंढता रहूंगा। तो सामने से जा रही देखो एम्बुलेंस, यहाँ से जो भी कोई इसमें जा रहा हो बच्चा है यार, प्लीज भगवान से ही दुआ है। पे भाई, भाई का नाम आदर्श, कहाँ से आप? मैं रोड से। ना यार भाई को लेनी है हमारे साथ, एक फोटो ले जा दो, लो भाई ले जा। मित्रों हमें मिल गए थे हमारे जानने वाले, तो हम उनसे मिल गए, पर हमें एक दुख अभी भी है, किसके पापा अभी भी नहीं मिल रहे हमारे को, बोला कहाँ है तेरे पापा? चुप रहो यार। एक एक बार, एक बात तेरे को कुछ बोलना है ना, मेरी बात सुन, पीछे देखो पॉपकॉर्न पड़े, वो खाने तूने, हम खाने तूने खा यार, प्लीज यार, जादू तेरे लिए पड़े है, मुझे खा मर इसको, पता है लोगों को खाना नहीं मिलता, तेरे को पॉपकॉर्न मिल रहा है खाने को, यहाँ पॉपकॉर्न पड़े ना, जादू खा ले, मैं तेरे लिए लाऊंगा, तू उठाएगा तो खाएगी, तेरे ले जाऊंगा। द्वारा पहुंच चुके हैं हम हॉस्पिटल के पास, और ये बच्चा भी घूमी है, तेरे मम्मी पापा मिले नहीं तेरे को आज, है ढूंढे नहीं अच्छे से, इसके मम्मी पापा तो देखो मैं नहीं मिले, इसके पापा को मैं का नंबर बता रही है कि थानों से कुछ बोलो, बाकी मेरे दादू का पूछो, ऐसा कुछ नंबर बता रही है, तो उस पर कॉल करूंगा, फिर इसके पापा को दूंगा। मित्रों देखिए यहाँ पे हीटर देखा जा रहा है, ठंड हो गई बहुत ज्यादा, और देखिए यहाँ बैठिए जल्दी। हेलो गाइस, ये देखो ग्रीश भैया की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और डॉक्टर ने बोला ये कुछ ही दिनों के मेहमान है, प्लीज इनके ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा प्यार। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, देखो रिपोर्ट आई और अभी डॉक्टर के पास गया नहीं हूँ मैं, डॉक्टर बता क्या बोलूं, प्लीज इनके ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ये कुछ ही दिनों के मेहमान है हमारे बीच में, अभी डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरी रिपोर्ट चेक होगी, अभी कुछ नहीं बोला है, अभी ब्लड टेस्ट आया और क्या बोलते हैं एक एक्सरे है मेरी छाती का, छाती के बिचार के लिए उन्होंने एक्सरे मेरा, इनको एक्चुअली में खून की उल्टी हो रही है जैसे भानु प्रताप। वाह, अभी जाते हैं डॉक्टर के पास, क्यों रेगुलर चेक करते हैं क्या हुआ है। छह दिनों के मेहमान बाहर आ चुके हैं, मास्क लगा रहे हैं क्योंकि इनको
टीवी के लश मित्रों अभी मैं गेड़े में जाया और गेड़े में वापस आया बिल्कुल परफेक्ट हो। अरे ये अंदर जा रहे हैं क्योंकि इनको टीवी के सिम्टम्स हैं। इसी आपके पसंदीदा गिरीश पंडित जिसको की टीवी नहीं है। मित्रों मेरे को कोई टीवी नहीं है, मेरे को नॉर्मल दवाई लिखाई है कि वो लियो 10 दिन तक। चलो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से पहुंच चुका था मैं घर में और मैंने एक नई सुबह के साथ मेरी बाइक हो रही है गरम 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 और मैं भी हो चुका हूँ बिल्कुल फ्रेश ताज़ा और एक बार और चलने के लिए हो चुका हूँ तैयार। और जाना है अभी घनाटी साइड, कुछ काम है पहले वहाँ जाना है। बाइक तो देखो ना गर्म हो ही चुकी है, तो गर्म करना बहुत जरूरी होता है बाइक का, तो गर्म हो चुकी है, अब मैं झटपट निकलता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं NH में और चले हैं 26-30 स्पीड में और पहुँचने वाले घनाटी। तो घनाटी आया एक आधा किलोमीटर दूर है, गाड़ियाँ देखे हमसे किस तरह से पास देगी, इनको ज्यादा ही चलती है मतलब। ये कन्फर्म हो चुका था कि मेरे को टीवी तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सीन ऐसा हो गया था कि गले से हल्का हल्का खून निकल रहा था, खून ऐसा निकल रहा था कि गले में एक पिंपल हो गया छोटा सा, मतलब ना उस शायद वो फट गया होना कि क्या हो गया होना, तो उससे खून निकल रहा था। तो उसको दिखाने गया था हॉस्पिटल और डॉक्टर ने बोला है कि हो जाएगा, मतलब 8-10 दिन में शायद ठीक हो ही जाएगा, तो हो ही जाएगा वो, तो चलो ठीक होता रहेगा, उसका तो कोई सीन नहीं है। तब तक ऐसा करो कि आप जाओ इस व्लॉग को देखो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो झटपट, मतलब सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सा पार्ट इस ब्लॉग का सबसे अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरा ये ब्लॉग यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। चिगू पड़ा होगा।